वेलकम बैक। आज के वीडियो में लोग एमसीए बीसी रिवाइज टर्मेंट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 एमसीए 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 2A को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज यूनियन। आपको यूनियन की डेफिनेशन बतानी है, साथ ही साथ आपको क्या कह रहा है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर से किस प्रकार डिफरेंट है, राइट। और आपको एक्सप्लेन करना है डिक्लेरेशन एंड यूज ऑफ यूनियन इन सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड प्रोग्राम, राइट। तो देखिए, आप सबसे पहली बात समझिए, जैसा कि नाम ही है यूनियन, मतलब किसी चीज को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ये भी आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर होता है, राइट। स्ट्रक्चर भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और यूनियन भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूनाइट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको डिफरेंट डेटा टाइप की जरूरत होती है, तब आप यहाँ पर यूनियन या स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, राइट। और सिमिलर डेटा टाइप के लिए क्या यूज करते हैं, एरे का, राइट। तो अगर आपको सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं, तो उस केस में आप यूनियन या स्ट्रक्चर का यूज करेंगी। अब सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर, जब दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो ये हम स्ट्रक्चर और यूनियन दो अलग अलग चीजें क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी समझ लीजिए। जो आपका स्ट्रक्चर होता है, राइट, वो क्या करता है, वो किसी के साथ अपनी मेमोरी शेयर नहीं करता है ना। कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपना सामान किसी दूसरे को नहीं देते हैं, है ना, और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे क्या करोगे, मुझसे ही ले लेना तुम, है ना, तो वो वाले भी नेचर के होते हैं। तो यूनियन उसी नेचर का है कि वो शेयरिंग करता है अपनी मेमोरी का, यानी कि आप सेम मेमोरी लोकेशन को डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, राइट, जबकि स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इसका प्रोग्राम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यूनियन मेमोरी लोकेट करा रहा है और किस तरीके से स्ट्रक्चर आपकी मेमोरी को यूज कर रहा है, राइट। जो डिक्लेरेशन की बात करी जाए, तो यूनियन और स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन सेम होता है, बट वहां पर आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, यहाँ पर आप यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। तो चलिए, पहले तो आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट आपको अपने प्रोग्राम पर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर टाइप का, राइट, इंट एन, और आप भले इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कराएं ना कराएं, ये कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेता है, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन काम बताने का ये है कि जैसे ही आपने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया, इसने आपकी कंप्यूटर की कुछ मेमोरी एलोकेट कर ली, राइट। अब वो कितनी मेमोरी एलोकेट करी है वो भी आप देख सकते हैं, और इसका एड्रेस क्या है आप वो भी देख सकते हैं, राइट। अगर आपको एड्रेस देखना है, तब आप एम्परसेंड के साथ एन का यूज करेंगे। आपने देखा होगा, जब भी आप स्कैनएफ का फंक्शन यूज करते हैं, तब आप यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ताकि आप बताना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, ये आपको कहाँ पर प्लेस करनी है, राइट। अच्छा, और अगर आपको उसका साइज देखना है, तो आप एक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, विदाउट स्पेस लिखेंगे और आप यहाँ पर एन को पास कर देंगे, राइट। अभी क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो आप इसको परसेंट डी से प्रिंट भी करा सकते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर, बस यहीं से आपको, इसी ऑपरेटर की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर में और यूनियन में क्या डिफरेंस आ रहा है। क्या सच में हमने जो बताया कि मेमोरी शेयर करता है, क्या वो यूनियन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या स्ट्रक्चर करता है कि नहीं करता है, आप इस ऑपरेटर की हेल्प से समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किया, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे आप, ऐसे स्मॉल रहता है, और आप जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। सपोज आपने स्टूडेंट दे दिया, राइट, ये आपका कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा। जो भी आपको डेटा टाइप डिफाइन करने हैं, इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपने आईएनटी इंट ले लिया, रोल नंबर, राइट, स्पेस अलाउड नहीं होती है, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं या विदाउट स्पेस लिख सकते हैं। दो वर्ड आते हैं, तब आप सेकंड वर्ड का लेटर कैपिटल भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहें, है ना।
अच्छा, फिर आपने क्या करा, एस नेम कर दिया, सपोज एस नेम कर दिया इसको आपने, इसका साइज दे दिया इसमें आपने सपोज मान लीजिए 30, राइट। और इसको आपने कर दिया कैरेक्टर एरे, राइट। फिर आपने मान लीजिए फ्लोट कर दिया और आपने यहाँ दे दिया मार्क्स। आप मान के चल रहे हैं कि इसको मार्क्स जो है वो पॉइंट में भी मिल सकते हैं, है ना, 2.5, 3.5 या 50.5, जैसे भी आप मार्क देना चाहें। तो अगर आपने इस तरीके से, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने ST नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट का, राइट। तो अगर आप इस साइज ऑफ ऑपरेटर से, साइज ऑफ ऑपरेटर से अगर आप ST का साइज देखेंगे, राइट, तो आपको इन तीनों का जो जितनी बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो रही होगी उसको दिखाएगा, राइट। अगर आपका 16 बिट कंपाइलर है तो ये आपका 2 बाइट्स लेगा, अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं, राइट, तो ये 2 बाइट्स लेगा, ये आपका कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, 30 बाइट्स हो जाएगा, और ये आपका 4 बाइट्स ले लेगा, ठीक है। तो आपका टोटल, आपका 36 बाइट्स यहाँ पर शो करेगा, राइट। ये डिपेंड होता है कंपाइलर पर, आपका कैसा कंपाइलर है वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। लेकिन आप यहाँ से ये चीज चेक कर सकते हैं कि वो आपकी कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, राइट। अब सेम काम आप यहाँ पर यूनियन के साथ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूनियन लिखेंगे और सपोज आपने स्टूडेंट ही लिख लिया, ये नाम बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और फिर आपने क्या करा, यहाँ पर सेम डेटा आपने लिख लिया, इंट रोल नंबर और कैर नेम सेम साइज दे दीजिए और फ्लोट यहां पर कर लीजिए मार्क्स, राइट। और यहां पर आपने सपोज स्टड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, राइट। अब आप यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर से स्टड को देखेंगे तो ये डिफरेंट मेमोरी बता रहा होगा, राइट। अगर देखिए 16 बिट कंपाइलर है तो ये 2 बाइट्स, ये 30 बाइट्स और ये 4 बाइट्स, तो ये क्या करेगा, ये 36 बाइट मेमोरी एलोकेट नहीं कराएगा जैसा कि स्ट्रक्चर के केस में हो रहा था। यहाँ पर केवल और केवल आपको 30 बाइट्स मेमोरी एलोकेट कराएगा, राइट। वही 30 बाइट्स आपकी इसके लिए भी यूज हो जाएगी और इसके लिए भी यूज हो जाएगी, राइट। जब इसको जरूरत होगी तो ये कहेगा ये लो तुम मेरी मेमोरी यूज कर लो, जब इसको जरूरत होगी तब भी ये बोलेगा कि तुम ये मेरी मेमोरी यूज कर लो, राइट। अब क्योंकि ये दोनों इससे छोटे हैं साइज में, ये तो अपनी मेमोरी शेयर करेंगे नहीं, राइट। तो ये इसके पास जो आपकी मेमोरी है वो इनके साथ शेयर कर सकता है, राइट। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हमने अभी समझाया है वो एकदम से क्लियर हो जाए, राइट। हम यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो टर्बो सी को यूज कर सकते हैं, राइट। हमने जैसा कि बताया कि आपका साइज डिफरेंट आ सकता है क्योंकि कंपाइलर डिफरेंट है। यहाँ पर हम यूनियन लिख लेते हैं, UNION यूनियन स्ट्रक्ट डॉट सी, राइट। हमने यहाँ पर क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, इंक्लूड stdi स्टूडियो डॉट एच। और हमने यहाँ पर करा कि हमने पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम दे दिया सपोज stud स्टूडेंट, राइट। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, int रोल नंबर, हमने रोल नंबर ले लिया और यहाँ पर हमने char कैर और s नेम कर लिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर एरे डिफाइन कर दी, इसका साइज दे दिया हमने 30, राइट। फिर हमने यहाँ पर फ्लोट कर लिया और यहाँ पर कर दिया आपका मार्क्स, राइट। और अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल यूज कर लिया
एसटी नाम का, राइट। अब हम केवल यहाँ पर काम ये करने वाले हैं, केवल और केवल इसका साइज चेक करने वाले हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन बना लिया अपना, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, राइट। तो हमने क्या करा, हमने प्रिंट एफ का यूज किया और हमने यहाँ पर साइज, मेमोरी साइज लिख लेते हैं, है ना, मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी साइज, ALOCATED, एलोकेटेड मेमोरी साइज जो है वो हमारा, कि हमें इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है तो हम यहाँ पर परसेंटेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, राइट, और इसमें हम पास कर देंगे एसटी को और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करा देंगे और फिर यहाँ पर रिटर्न करा देंगे 0, राइट। हमने यहाँ पर 0 रिटर्न करा दिया। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए एलोकेटेड मेमोरी साइज कितनी आ गई, 40 आ गई, राइट। 30 तो इसने यूज करी और देखिए बाकी 10 बाइट्स आपकी यहाँ से आ गई, राइट। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके कि यहाँ पर आपका जो कंपाइलर है वो इंटीजर के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करा रहा है, राइट, कितने बाइट्स यूज कर रहा है वो आप देख सकते हैं। प्रिंट एफ लगा लीजिए यहाँ पर, आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर इंट कंटेन्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने परसेंट डी यूज कर लिया और यहाँ पर आपने साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर लिया, राइट, किसका, रोल नंबर का, राइट। एस टी डॉट रोल नंबर लिखेंगे जब भी हमें उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को यूज करना होगा, तो यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, राइट। फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर अब हम एस टी डॉट नेम यूज करेंगे, राइट। इसी तरीके से हम एक बार और पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे ये एस नेम है इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है, एस नेम कर लीजिए और यहाँ पर आपका मार्क्स है, NERKS मार्क्स, राइट। यहाँ पर लिख लेते हैं फ्लोट, राइट। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि कौन कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग कंटेंट्स। अब आप प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, अब रन करा दीजिए, बैक स्लैश नेम लगाना भूल जाते हैं, जरूर लगाइए ताकि आपको आउटपुट अच्छा दिखे, है ना। प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, रन करा लीजिए, देखिए इंटीजर कंटेन्स 4 बाइट्स, फ्लोट कंटेन्स 4 बाइट, राइट, और स्ट्रिंग कंटेन्स 30 बाइट्स, 38 बाइट्स तो ये हमारा 40 बाइट्स आ रहा है, 2 बाइट्स कौन यूज कर रहा है। चलिए हमारा मतलब यहाँ पर ये नहीं है, हम देखते हैं कि अगर हम अब स्ट्रक्ट की जगह हम यूनियन यूज करते हैं, अगर सपोज, राइट, तब क्या होता है हमारा चेंज प्रोग्राम में, हमें वो मैटर करता है। रन कोड देखिए यहाँ पर केवल और केवल 32 बाइट्स, ये 2 बाइट्स का कुछ इशू आ रहा है, जो भी है कि 2 बाइट्स एक्स्ट्रा ले रहा है। देखिए अगर वहां पर जब आप यूज कर रहे थे तो 40 बाइट्स मेमोरी लोकेट करा रहा था ना, राइट, यहाँ पर केवल और केवल 32 बाइट्स स्टोर कर रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि देखिए इसको मैक्सिमम बाइट्स की जरूरत पड़ने वाली है वो 30 की पड़ने वाली थी, राइट।
तो टू बाइट जो भी ले रहा है, अब यहाँ से समझ में आ सकता है आपको कि आपको ये मेमोरी शेयर कर रहा है, राइट। जबकि स्ट्रक्चर के केस में मेमोरी शेयर नहीं हो रही थी। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। जैसे ही आप यहाँ पर स्ट्रक्चर कर लेते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, और अब आप इसको यूज करते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, स्ट्रक्ट, राइट। और अब आप इसको सेव करके फिर से रन कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए 40 बाइट्स। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।